पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। अब जो गली के टपोरी हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना, तो आप कम बोलो, क्योंकि आपका सवाल पूछ रहा है। बाप ने भी अशोक ने भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था। आदर्श अरे साउंड 17 एक्शन। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसो की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है, तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, अमित जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत, जिस प्रकार 1857 की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा चौहान पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत में शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया, कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया? के साथ हमने तो किसके साथ? पर भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है, हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है, और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा, ये कोई विशेषज्ञ राय दी, कोई विशेषज्ञ है, कोई इतिहासकार है, कोई महात्मा है, ये अक्षय कुमार कैनेडियन है, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। दादा व्हाई, व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस। वो हमारा आदर्श कैसे होगा? केवल इसलिए कि उसके दो चार ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, बिना मोदी के समर्थक। जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है, ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना, तो आप बोलो, क्योंकि आपका सवाल पूछ रहा है। मेरा केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा, कुछ बातें बहुत उचित है, बहुत सही है। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। क्या बात है? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं कभी चाहेंगे? सवाल है, सवाल है। अपने बाप का गला काटा था, आदर्श शत्रु ने अपने बाप को कैद किया था, वो सब बड़ी तारीफ करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।